Ladies and gentlemen, God has networked the humanity in the form of communities led by different prophets, many of whom were given scriptures in their respective languages. हमारे पैदा करने वाले हैं भगवान ने पूरी इंसानियत को नेटवर्क कर दिया है शुरू से जब से पैदा हुई इंसानियत तब से अब तक डिफरेंट कम्युनिटीज में जिसके कि अलग अलग प्रॉफिट्स होते रहे हैं और उनमें से कुछ को किताबें भी दी गई द प्रॉफिट्स स्प्रेड टू द मैनकाइंड गॉड्स वर्ड रिवील्ड थ्रू देम जो किताबें मिली उनको उससे जो खुदा का पैगाम था वो हम तक पहुंचाया गया इंसानियत तक दिस इज इक्वली रिफ्लेक्टेड इन द फिलॉसफी ऑफ मेनी अदर स्पिरिचुअल बुक्स लाइक द होली वेदास विच से एकम सत विप्रा बहुधा मीनिंग देयर बाय देयर इज ओनली वन ट्रूथ वाइज मैन टेल इट डिफरेंटली सच्चाई एक ही है लेकिन जो समझदार लोग हैं वो उसको अलग अलग तरीके से इंसानों तक पहुंचाते हैं कुरान से इट बिगिंस विद द डिस्क्राइबिंग गॉड एज रब्बिल आलमीन कुरान शुरू होता है रब्बिल आलमीन से जिसके मतलब है क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स दुनियाओं को पैदा करने वाला और उनको बरकरार रखने वाला एंड कुरान एंड्स विद गॉड्स डिस्क्रिप्शन एज रब्बिन नास कुरान खत्म होता है जहां भगवान को कहा जा रहा है रब्बिन नास यानी क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स दैट वे एड्रेसिंग ऑल द ह्यूमैनिटी एंड इंडीड द एंटायर क्रिएशन दैट इज इस्लाम्स मैंडेट फॉर मेंटेनिंग इंटरफेथ लव एंड अफेक्शन वो रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कहता है कुरान रब्बिल आलमीन कह रहा है और रब्बिन नास कह रहा है ऑल्सो लेडीज एंड जेंटलमैन दिस स्क्वायरली ट्रांसलेट्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच एनश्राइंड इन आर्टिकल 51 AE दैट एवरी सिटीजन इज बाउंड बाय द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India, transcending religious diversities. ये जो article है constitution का इसका जिक्र आप देखेंगे बहुत कम होता है बहुत हमका है rare है कि इसका कहीं जिक्र हो रहा हो लेकिन constitution of India भी वही बात कह रहा है particularly I am addressing Mr. Nitin Gadkari that I don't need any personal favor from the current or future governments. But I do value and cherish every bit of justice and constitutional rights for the deprived Muslims of India. I would request, please don't clap. See, you clap karne mein time lag jata hai aur Mantri ji ke paas time kam hai. Is wajah se jo hai aap barah meharbani baat karne ko bhi aur mujhe apni kehne de. 5.5 saal pehle aapse मैंने प्रेजेंटेशन नरेंद्र मोदी साहब के सामने किया था गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे वहाँ एक दिन का प्रोग्राम था एक भारत उसमें APJ अब्दुल कलाम साहब ने उसको इनॉग्रेट किया था और 4-5 ही स्पीकर थे और मुसलमानों में सिर्फ मैं ही था स्पीकर वो ये आपको देख भी सकता है जरा से वो उसके उसमें जो उन्होंने बाद में रिपोर्टिंग भी हुई थी उसमें उन्होंने कुछ कहा भी था जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ तो मैं ये बता रहा था कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये आज भी आप देख सकते हैं rediff.com के ऊपर भी है और भी जगह जगह है आप देख सकते हैं जो असली बात है वो ये है कि उसके बाद जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए उस प्रेजेंटेशन के बाद वो एक तो मैंने उनसे बताया था और कोट किया था कि BJP की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जहाँ लिखा हुआ है फिलासफी ऑफ द पार्टी उसको क्लिक करिए अगर तो 3 आर्टिकल निकलते थे और 3 आर्टिकल्स तीनों में मुसलमानों के खिलाफ बातें लिखी हुई थी मैंने कोट करके बताया था वो अभी देखा जा सकता है तो उसके 2-3 महीने के बाद ही जो है तो मेरे पास एक अखबार के न्यूज़पेपर का एडिटर का फोन आया था उन्होंने कहा साहब हम 2 रोज़ देखते हैं जब से आपने प्रेजेंटेशन किया आज से वो हट गए
तो वो बहरहाल हटा दिए गए तीनों आर्टिकल और उसकी जगह एक अच्छा मतलब पॉजिटिव आर्टिकल आ गया था। दूसरी बात जो मैंने उनसे कही थी वो जो उन्होंने मान ली, 18 बातें कही थी, उसमें से एक था स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर देना, इसलिए मुसलमान एजुकेशनली पीछे तो वही है लेकिन स्किल को अगर डेवलप कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में पहले बजट में ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोर्शन रखा और उसके बाद तो नए मिनिस्ट्री ही बना दी। तो वी आर ग्रेटफुल टू हिम एंड टू द न्यू गवर्नमेंट फॉर दीज टू वर्क्स व्हिच हैव बीन डन बिकॉज आई हैव मेड ए प्रेजेंटेशन टू देम एंड आई एम श्योर देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स फॉर दैट। मुझे आपसे ये अर्ज करना है लेकिन ये कि कुरान करीम 52.21 में होली कुरान कहता है कि ईच इंडिविजुअल इज इन प्लेज फॉर हिज डीड्स। और क्योंकि आज मैं नितिन गडकरी साहब से मुलाकात करने के लिए और उनसे अपनी गुजारिशात करने के लिए यहाँ खासतौर से नागपुर में बुलाया गया हूँ और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसका भी जिक्र कर दूँ क्योंकि भगवान के सामने हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी जवाबदेही होती है। तो मैं इस शेर के साथ उनका वेलकम कर रहा हूँ, खासतौर से ये चराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाएं, कोई ख्वाब देख डालो कोई इनकलाब लाओ। सर, मुस्लिम्स आर डोमिनेंट माइनॉरिटी इन इंडिया। They are 18 crores as per census 2011. Incidentally, there are 56 Muslim countries in the world, plus 20 countries where Muslims are dominant minority, like in India. अब इसकी रोशनी में एक जरा हम थोड़ा देख रहे हैं। मैंने ही ये नाम दिया है इंडियन पोलिटिकल बैंड वैगन। 71 ईयर्स से अब तक इंडियन पोलिटिकल बैंड वैगन। So during the last 71 years, irrespective of which political party or coalition was in power, India's sovereignty has been strengthened, internal peace has been mostly maintained, multifaceted development has occurred, and India's standing has been going up in the community of nations. That is the beauty of our Indian polity. For that we must give a clap. We pay homage to our homeland. However, this is a dil ki pukar. और ये फिर बात अपनी कहने से पहले कि मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो हम खोए खोए रहते हैं इसमें कुछ दखल है तुम्हारा भी। थोड़ा शिकवा शिकायत कर लेने दें, आपके घर आया हूँ आपसे ही गुजारिश करने के लिए। फिर मैं याद दिला दूँ आपके लास्ट 71 ईयर्स ये हर चीज़ में आसानी से ठीक ठाक चलते रहा है। सॉवरेंटी बढ़ी है, इंटरनल पीस ठीक हुई है, मल्टी फेस डेवलपमेंट हुआ वगैरह वगैरह, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम ऊपर जाते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो साल लोग में पाँच गुजरे हैं 2014 से 2019, इसमें कुछ विस्थापन हो गया, रिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं। अगर जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी वो समझ लेंगे, रे जब चलती है वजह सीधे जाने की हल्का सा तिरछी हो जाती है, तो कुछ नैतिकता की तरफ से संकीर्णता की तरफ फ्रॉम एथिकल टू पैरोकियल आए। मैं आपको कुछ बातें पेश करता हूँ। इन द यूनियन काउंसिल ऑफ 78 मिनिस्टर्स देयर इज ओनली वन मुस्लिम मिनिस्टर, व्हाइल प्रोपोर्शनल प्रोपोरिटी डिमांड्स दैट देयर शुड बी 12। Even old party loyalist ex-cabinet minister Shahnawaz Hussain has been kept aside. 2. Fiduciary allegiance, apratyaksh amanatdari, fiduciary allegiance of many TV channels has been exploited. ये मैं देखिए बहुत ही गहराई से इसको स्टडी करता रहा हूँ। 2014 के मिडिल से ही जिंदगी चैनल नया शुरू किया गया था। जिंदगी चैनल में आप सारे चैनल के प्रोग्राम उठा के देख लिए, मुस्लिम फैमिली लाइफ को ख़राब दिखाया जाता था कि बदकिरदार दिखाया जाता था। उसके साथ साथ जो है वो दूसरे प्रोग्राम ठीक चल रहे हैं, दूसरे मज़हबों को बड़ा अच्छा दिखाया जा रहा है। उसके बाद क्या सिलसिला शुरू हुआ कि एंग्री एंकर्स फाइंडिंग फॉल्ट विद इस्लाम एंड मुस्लिम, जो प्राइम टाइम है शाम का, उस वक्त रोज़ देखेंगे 8-10 चैनल्स के ऊपर अचानक शुरू हुआ था इस वक्त कि जहाँ पर जो है एंग्री बहुत नाराज़ एंकर्स हैं
और वो बहुत गुस्से से इस्लाम में और मुसलमानों में खराबियाँ पा रहे हैं। कुछ दाढ़ी वाले लोग को बुला लिया जाएगा और ताकि वो एंकर को सपोर्ट करें। और एक साहब को तो कनाडा से इम्पोर्ट किया गया था, वो इज ए नॉन मुस्लिम वेटर और रोज़ वो टीवी के ऊपर आ करके जो है कुछ ना कुछ बुरा बुरा कहेंगे मुसलमानों को। चर्चेज वर डेसिक्रेटेड इन सो मेनी प्लेसेज ऑफ इंडिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर जो एफिडेविट पहले वाली गवर्नमेंट ने दिया था ये कहते हुए कि हम इन दोनों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानते हैं, वो एफिडेविट नई गवर्नमेंट ने वापस ले करके उसी का दूसरा एफिडेविट लगाया और कहा कि नहीं साहब हम नहीं मानते। तो मुसलमानों की ये शिकायत है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो सेंटर ऑफ माइनॉरिटी एम्पावरमेंट हैं चार पांच हैं इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में, जिसको कहते हैं रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी, जहाँ से एम्पावरमेंट होता है मुसलमान बच्चों का, उसको जो ग्रांट मिलती थी वो रोक दी गई। अभी 1.5-2 साल पहले से वो ग्रांट सब के ख़त्म कर दी गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फेथ बेस्ड मजहब की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ तासुब और डिस्क्रिमिनेशन है। आप देख लें आर्टिकल 15, 25, 20 उसमें लिखा ही गई है मुसलमानों के अलावा बाकी कोई भी आ जाए बाहर से। बृहत मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने 1200 स्कूलों में सूर्य नमस्कार को कंपलसरी कर दिया, जबकि सूर्य नमस्कार के लिए हिंदुज़्म की सारी वेबसाइट सब किताबें मैंने खुद पढ़ी हैं उसमें लिखा कि वो उर्दू ये कहती हैं कि ये सूरज की पूजा है और कुरान कहता है कि सूरज जो है वो वैसे ही अल्लाह मियाँ का पैदा किया हुआ है जैसा कि इंसान पैदा किया हुआ। तो सूरज की पूजा मुसलमान कर ही नहीं सकता, लेकिन अब इन 1200 बच्चों जो मुसलमान हैं उनसे ये कहना कि नहीं तुम सूरज की पूजा करो, ये तो अगेन आर्टिकल 15, 25, 28 का वायलेशन। इंटरफेथ मैरिज मैरिटल कपल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करता है, लेकिन ये कि ऐसे उनके ऊपर असॉल्ट्स पूरे मुल्क में शुरू हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है पर्टिकुलर केस में। शमशानों को कब्रिस्तानों के खिलाफ ला करके खड़ा कर दिया। सबको पता है कि 5 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं इंडिया में, जिसमें से आधे से ज़्यादा के ऊपर नाजायज कब्जा है और उनमें से भी ज़्यादातर कब्रिस्तान है, तो उनको कब्रिस्तानों की बाउंड्री बना करके उसको प्रोटेक्ट करना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन ये और शमशानों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इलेक्शन के वोट को पोलराइज करने के लिए ये कह देना कि साहब शमशान कब्रिस्तान बने तो शमशान भी बने, इट्स नाइदर हियर नॉट देयर, इट्स डन बिफोर। मदरसों को यूपी में खासतौर से मिसट्रीट किया गया, ये नई गवर्नमेंट जो भी सरकार आई उसके बाद से बराबर खासतौर से पिन पॉइंट करके हर दिन अखबार में खबर आ रही है कि मदरसे प्रूव करें कि वो देशभक्त है, मदरसे झंडा भी चलाएं, मदरसे ये करें, मदरसे वो कुछ नहीं हुआ, आखिर में टाटा फिश हो गया, ख़त्म हो गई बात, पुरानी हो गई ख़त्म हो गई। लेकिन एक पोलिटिकल स्टेटमेंट बनाना था, देखो हम मदरसों को टाइट किए हुए तो बना दिए। मुस्लिम गॉट लिंचिंग, 29 में से 25 लिंचिंग मुसलमानों की ही, 86%। लिंचिंग हैज स्टार्टेड बिकमिंग एन इंडियन कल्चर। देखिए हम सब लोग एक घर के लोग आपस में बैठ के अगर बात नहीं करेंगे सामने, बजाय इसके कि मैं अपने दिल के अंदर जो है वो उस लिए बैठा हुआ हूँ, तो वो अच्छा नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है वो मिसट्रीट हुई है। अभी लेटेस्ट बिल्कुल जिसके ऊपर मैंने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर साहब को भी खत लिखा है, उनका जवाब भी आया है लेकिन कोई हल नहीं निकला, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी वक्फ की एक प्रॉपर्टी अलॉट की है बीएसएफ के बैरक्स वगैरह और उनका ऑफिस वगैरह बनने के लिए, जबकि वो वक्फ बोर्ड दिल्ली का लिख के दे रहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बावजूद अलॉटेड गवर्नमेंट के दिल्ली। लेकिन ये तो यहाँ तक कि मैंने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है, लेकिन थोड़ी बहुत फ्लैग करने के लिए मैंने आपसे थोड़ा गुस्ताखी कर दी है आपके सामने ये बात कुछ रख करके। लेकिन कुरान करीम जो है सिखाता है 2.1 रबी 5 में दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, हर प्रॉब्लम को एक मौका भी एक अपॉर्चुनिटी भी एक अवसर भी समझना चाहिए। तो देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड टू लुक फॉरवर्ड। देखिए ऐसा है, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ख़ास मोहब्बत नहीं,
जो हमारा काम ठीक ठाक करे वो हमारा दोस्त, वो हम उसके वोटर। ये मैं मिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा इस चार्ट के ऊपर। देखिए 543 सीट्स लोकसभा में हैं जिनके ऊपर हर 5 साल का इलेक्शन होता है। जो नेशनल मुस्लिम पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 उसके हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में 14.2%। ये परसेंटेज अगर लगाई जाए तो लोकसभा में 77 सीटों पर मुसलमान बैठना चाहिए। लेकिन 1952 में पहली लोकसभा बनी थी, तब से लेके अभी तक जो लेटेस्ट लोकसभा चल रही 2014 वाली, उन सब का एवरेज मैंने खुद निकाला है तो एवरेज 25 से कम आता है। एक बार घट के 18 भी गया था, एक बार बढ़ के 44 भी गया। तो ये एवरेज जो है आमतौर से मुसलमान समझते हैं कि उनके उनको पार्टी टिकट नहीं देती या टिकट मिलते हैं तो वोट नहीं मिलते, वो भी सही हो सकता है। लेकिन सच्चर कमेटी ने सर, मिनिस्टर सर, सच्चर कमेटी ने इसको बिल्कुल अलग बात बताई है, जो कि आमतौर से लोग जानते नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो डिलिमिटेशन एक्ट है 1972 का, बाद में अमेंडमेंट 2002 में, दोनों में सेक्शन 9C जो है वो ये कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की जाएंगी जहाँ मुस्लिम परसेंटेज नहीं, जहाँ शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज हाईएस्ट है। मैं आज करूँ सर आगे सर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ये कहता है, लॉ 9C सेक्शन जो है डिलिमिटेशन एक्ट का, वो ये कह रहा है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट की रिजर्व की जाएंगी जहाँ शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज स्टेट में हाईएस्ट है, ये लॉ है। लेकिन अक्रॉस द स्टेट्स हमेशा शुरू से आज तक ये चलता चला आ रहा है कि शेड्यूल कास्ट परसेंटेज जीरो भी हो, बहुत कम हो, जहाँ मुस्लिम परसेंटेज बहुत हाई है दे आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। अब देख लीजिए, मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत मिसाले दे, वडोदरा सिटी देख लीजिए, मुस्लिम्स 11%, शेड्यूल कास्ट 9% रिजर्व। लेकिन ठक्कर बापा में शेड्यूल कास्ट 16% है, अकॉर्डिंग टू लॉ ये रिजर्व होनी चाहिए, यहाँ 3% तक माने वो रिजर्व नहीं है। नगीना यूपी में 53.5% मुस्लिम्स ऑफिशियल फिगर, और शेड्यूल कास्ट 9% रिजर्व। धौरहरा बराबर में लगी हुई है, वहाँ 40-45% शेड्यूल कास्ट वो रिजर्व नहीं है, मुसलमान वहाँ 80%। वेस्ट बंगाल में भी ऐसे ही है, जगह जगह खंडवा बर्दवा पूरे मुल्क में देर इज डीलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड वार्ड्स इज 40 40 मीन्स अकॉर्ड अगेंस्ट लॉ। जबकि ऐसी भरी पड़ी है कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ शेड्यूल कास्ट परसेंटेज हाईएस्ट है वो आप रिजर्व करिए, लॉ के हिसाब से चलिए खाली और कुछ नहीं करना। तो ये चीज आपसे कभी कही नहीं गई है, ये सेंटर कमेटी ने कही थी, किसी मुसलमान ने आज तक आपसे कहा ही नहीं, इसलिए तो वी डोंट ब्लेम यू कि आपको मालूम भी होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ये मौका है, तो यही बुनियादी चीज़ है। जब मुसलमान लोकसभा में और असेंबलीज में और लोकल बॉडी में पहुँचेंगे ही नहीं अपने यहाँ से, जहाँ जहाँ उनको अपने को वोट दे करके अपने को जिता सकते हैं वो रिजर्व कर चीजें, तो फिर कैसे जब कैसे जाएंगे, वो तो बार बार आप लोग थे। तो कुछ दूसरे अल्फाज में इसको मैं इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि जब हम ही न महके फिर साहेब तुम बादशाह कहलाओ तो क्या, तुम ठंडी हवा कहलाओ, ठीक है अच्छी बात है, आप बहुत ठंडी हवा, लेकिन जब हम ही नहीं महक रहे हैं तो हम तो बोझल बैठे हुए हैं। तो सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि डीलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग बिठा दीजिए और उसको कहिए कि भाई इसको एग्जामिन करें, जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ उसको ठीक कर दें। तो हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी इसको अपनी गवर्नमेंट तक बात को पहुँचाएँ, और आपने अगर ये काम किया तो हम आपसे हम आपके हैं, हम कहाँ किसी को भी के हुए। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आप ये यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस। ये आज़ादी के बाद से अब तक ये प्रॉब्लम हमारे साथ चलती चली आ रही है। लेकिन और यूपीए गवर्नमेंट ने सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 7 साल तक यूपीए गवर्नमेंट नहीं, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर से कहा उन्होंने नहीं किया, आप करिए, वी बिलोंग टू यू। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हैं, 24 हैं डायरेक्टिव्स,
जिसमें कि और वो लीगली वो नहीं इम्प्लीमेंटेबल, ये मालूम है ना सबको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आप कोर्ट में आगे नहीं कह सकते इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये श्रद्धा की बात है किसको करें किसको ना करें। लेकिन उसमें खुद ये इशारे दिए हुए हैं कि किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। तो ये चीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त इंफेसिस, जबकि वो बिल्कुल आखिरी कैटेगरी में आता है। लेकिन 39C जो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है, दैट द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग दैट द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, वो आज तक नहीं हुआ, आज़ादी के बाद से आज तक कहीं जिक्र नहीं हुआ। लेकिन ये भी नहीं है कि साहब हम जिसका नंबर है पहले उसको छोड़ करके हम दसवें नंबर पर पहुँच करके हम बात करेंगे उसकी। बट ये जब यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली बात आई थी, लॉ कमीशन के चेयरमैन ने खत इशू किया था पब्लिक को, तो मैंने ये चार्ट उनको भेज दिया था कि देखिए आपका लास्ट कैटेगरी में आ रहा है, आपके प्रेसिडेंस में आता ही नहीं। उसके पाँचवें दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये सारे पॉइंट बताए और वो बात तब से ख़त्म हो गई है। एक चीज़ मैं आपको जो अट करूँ, उसमें भी आपका कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने किया तो हम आपके साथ हैं। मसलन ये कि 29 वक्फ बोर्ड हैं इंडिया में, स्टेट वक्फ बोर्ड 29 हैं, हर जगह एक CEO बैठा होता है जो काम करता है 8 घंटे, चेयरमैन वगैरह तो आते हैं चले जाते हैं, तो CEO 8 घंटे 10 घंटे काम करता है। CEO का डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का होना ज़रूरी है, उस लेवल के ऑफिसर मुसलमानों में है ही नहीं। आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से सारे चीफ मिनिस्टर ने बताया हमें मुसलमान ऑफिसर नहीं मिलते। नतीजतन क्या है कि कहीं प्राइमरी स्कूल का रिटायर्ड टीचर CEO बना हुआ है, कहीं जानवरों का डॉक्टर CEO बना हुआ है, जबकि जो हिंदू प्रतिष्ठान है पूरे साउथ इंडिया में हर जगह IAS ऑफिसर बैठा हो, IAS डायरेक्टली सेलेक्टेड IAS ऑफिसर वहाँ बैठा हो। तो सेक्टर कमेटी ने यह कहा कि आप एक नई सर्विस क्रिएट कर दीजिए, आपने 8 सर्विस क्रिएट की हैं आज़ादी के बाद से, एक और क्रिएट कर दीजिए इंडियन वॉक सर्विस। उसके हिसाब से अगर आपने इंडियन वॉक सर्विस क्रिएट कर दी, ये अगेन बिलोंग टू यू, आपका आपको कभी कहा नहीं गया ना कि ना। लेकिन ये कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो नथिंग लाइक दैट, इसकी पूरी हिस्ट्री है, इसका सब तफसील मौजूद है। ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये भी देखा जा सकता है। तो मैं जो मुख्तसरन बात है वो ये कि अगर माइंड को और हार्ट को जोड़ दिया जाए, दिल और दिमाग जुड़ जाएँ, तो बहुत अच्छे नतीजे निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये मौका है तो मैं इसको मत जाने नहीं देना चाहता। सच्चर कमेटी ने एक बात कही थी, जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ है ही नहीं, उसने ये कहा था कि जो लोग भी इस बात का ख्याल रखते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे प्रोफेशनल हो, वकील हो, कुछ भी हो, कि हम जो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा सब तरह के लोगों को पहुँचे, हर मजहब के लोगों को पहुँचे, ऐसे लोगों को इनाम से नवाजना चाहिए, आप ऐसे पदमश्री देंगे। ये कहा था इंसेंटिव स्कीम बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी इंडेक्स, उसका भी कहीं कोई जिक्र ना पिछली गवर्नमेंट ने किया ना अगली गवर्नमेंट कर रही है। अब बात आती है, मेरे पास कल ही खत आया श्री श्री रविशंकर का, अपील आई जो कि उन्होंने मुसलमानों को की, इसमें कि वो तीन पेज का खत है उसको पढ़िए तो उससे लगता है मुसलमानों के लिए अपील है। उसमें उसका डुबलवाब जो है वो ये है कि आप कहिए मुसलमान ये कहते हैं कि साहब ठीक है आप अपनी जन्मभूमि बनाओ, यहाँ पर हम कहीं और चले जाते हैं, कोई और जमीन है, तो ये उसका क्रक्स है। तो सोचा जा सकता इसके बाद के ऊपर गौर किया जा सकता, उसको ध्यान में रखते हुए मेरी गुजारिश ये है कि लिंक द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मुस्लिम्स इन अयोध्या टू द ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स बाय द गवर्नमेंट, ये लिंकेज एस्टेब्लिश कर दीजिए। इसके ऊपर ये जो मैंने आपसे अभी बातें अर्ज की हैं, आप बाकायदा डील कर लीजिए कि साहब हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और मुसलमानों को जमीन उसी जगह दे रहे हैं, तो मुसलमान और कर सकते हैं इसके ऊपर, मुसलमान खाली बाबू में दीवान लेकर क्या करेंगे। लेकिन ये कि ये जो उनके साथ उनके हक मारे जा रहे हैं आज़ादी के बाद से, कोई नया नहीं है कुछ, ये तो ये पूरे पॉइंट्स मौजूद हैं, और कुछ तो वही है जो मैंने आपको अभी अर्ज किया है, वही कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाली फर्स्ट चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाली जहाँ जहाँ मुस्लिम स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहराइच कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ मुसलमान 30-40-50% है, शेडूल कास्ट की विरोधता कितनी लगती है आप खुद कहेंगे, तो ऊपर वाले को जवाब देना है जा करके। क्या एक बात है शेडूल कास्ट की डेफिनेशन,
वो हम जानते हैं, उस वक्त आपका कोई रोल नहीं था। शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई, आर्टिकल 341 में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताएगा वो शेड्यूल कास्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1951 में एक ऑर्डर पास कर दिया जिसमें लिखा भंगी चमार लोहार गर्दी दाई ये सब लोग शेड्यूल कास्ट होंगे, उसमें लिख दिया शर्त यह है कि वो हिंदू हों। ये तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और 5-6 साल बाद जोड़ा शर्त यह है कि सिख हों, 1990 में जोड़ा शर्त यह है कि बुद्ध हो। तो सिर्फ मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन चल रहा है, एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन, सिर्फ मजहब की बुनियाद पर चल रहा है। जो सारे पार्टी के टीवी चैनल के ऊपर लोग कहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, 1950 से मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन आज तक चल रहा है, एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन। ये चीज आप अगर आप ये कहें कि नहीं ये गलत है, जो रिजर्वेशन है उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हम आपके हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको वोट देगा, मुसलमान सारे के सारे। एक ये ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन सेंट्रल कमेटी यहाँ भी कुछ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। एडमिशन क्राइटेरिया जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता है, चला आ रहा है आज़ादी के बाद से आज तक, वो प्योर मेरिट के ऊपर होता है। लेकिन जो बच्चा शुरू से ही कमज़ोर है वो मेरिट में आएगा ही नहीं। तो सज्जन कमेटी ने यह कहा कि आप सिर्फ मेरिट ना रखें, 60% मेरिट रखें, 40% रखें बैकवर्डनेस ऑफ द कैंडिडेट। उसका पूरा फॉर्मूला दिया है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर वो आपने कर दिया उस पर कोई हिंदू मुस्लिम से निधाई नहीं है। अगर वो आपने कर दिया फिर हम सारा मुसलमान जोड़ एकजुट होकर आपको वोट देने लगे। तो कोई ये नहीं है कि हम बिल्कुल मुखालिफ हैं या क्या है, लेकिन ये चीज़ें इंडियन वक्फ सर्विस आप क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, आपको मालूम है कि मुसलमान जो हैं वो प्यार नहीं लेता, ये नहीं कहता कि जान हमारा प्यार से कोई ताल्लुक नहीं है, हम बिल्कुल अलग हैं, सब कुछ नहीं कहता। लेकिन पूरी दुनिया में जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ भी एक विंडो होती है बैंकिंग सिस्टम में कि आप चाहें तो यहाँ इंटरनेशनल बैंकिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रपोजल दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो 2-3 साल से पेंडिंग है आपके पास, अगर उसको आप अलाउ करें फिर हम आपके साथ। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये कि माइनॉरिटी कैरेक्टर हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो भी इंसान, जो भी लड़का, कोई भी आदमी अगर पकड़ा जाए किसी टेररिज्म के उसमें एलिगेशन में, उसको जो सख्त सजा है वो दे जरूर, टॉर्चर करें। लेकिन अगर कोर्ट ये कहे कि नहीं साहब ये तो इनोसेंट था, तो कम से कम उसको खाली ये नहीं कि उसको वैसे दिए जाए, बल्कि उसको जिन लोगों ने उसको गलत तरीके से पकड़ा था और फंसवाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस में कहा नहीं है केरला के, कि उन लोगों को भी गिरफ्त होना चाहिए। जो आप पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट के टैक्स पेयर का कंपेंसेशन ऐसे आदमी को जिसको कोर्ट कह रही है कि ये इनोसेंट है, और उसके खिलाफ आप अपील में भी नहीं जा रहे हैं, फाइनल हो गया कहाँ इनोसेंट है, तो वो पैसा जो है उन्हीं लोगों से पैसा निकलवाना चाहिए जिन लोगों ने उसको गलत फंसवाया। ये अगर आप और करेंगे फिर हम आपके नॉमिनेटेड पोस्ट हैं आपकी, कितने बहुत आपके पास नॉमिनेटेड पोस्ट हैं, हम मुसलमानों को पोस्ट करना शुरू करें, 1-2% करें, 4% करें, 3% करें, कुछ करें। एक है इक्वल अपॉर्चुनिटी का मिशन, सच्चर कमिटी ने कहा था, ये भी सबका, हर मजहब के मानने वालों का है, कोई किसी के लिए नाश नहीं होगा काम, लेकिन अगर आपने अपॉइंट कर दिया तो भी हम आपके। तो ये जो एंटी मुस्लिम एजेंडा एक परसेप्शन है मुसलमानों का कि आपका है, वो अगर आप छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ के ये काम ऐसे करना शुरू कर देंगे, तो फिर तो आप वही करेंगे जो आपकी वेबसाइट में लिखा हुआ। देखिए आपकी वेबसाइट में लिखा हुआ है 4 इश्यूज़ के तहत डेवलपमेंट में, जिसमें लिखा है बीजेपी फॉलोज ट्रू सेक्युलरिज्म जस्टिस एंड डेवलपमेंट टू ऑल एंड अग्रीमेंट टू देम, फाइन फर्स्ट क्लास, वही हम भी कह रहे हैं, लेट देम राइट देयर ओन डेस्टिनी वेयर इवन द वीकेस्ट इंडियन हैज जस्ट एंड फेयर चांस। ये सब मैं आपकी वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ। A united nation where every Indian gets an equal share of opportunity is wonderful. Security is what each one of us experiences while stepping out of home. जब घर से बाहर निकले तो जो एहसास करे उसे सिक्योरिटी कहते हैं। ये बीजेपी की वेबसाइट पर लिखा हुआ, तो फिर वो अखलाक का क्या हुआ, वो जो 25 आदमी मार दिए गए उनका, तो उनके जहन होंगे उनके वालदेन के ऊपर, उनके घर वालों पर क्या चल रहा होगा, तो उस पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है।
अब फटफट ले कहिए कि साहब ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये हमने इसको पकड़ कर बंद कर दिया, मुकदमा चला दिया, बात खत्म। बीजेपी इज कमिटेड टू द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वंडरफुल। बीजेपी अडोर्स नॉट बिलीव इन नैरो पॉलिटिक्स ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ सोसाइटी, जो जो लिखा है मैनिफेस्टो में और वेबसाइट में, तो क्या कहने वो उसी के ऊपर बात भी चले। थोड़ा सा आपकी पार्टी आपके वेबसाइट पे लिखा है अबाउट द पार्टी, मैं उसमें से कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर अपनी तरफ से फिट नहीं जोड़ा। इंडियन सिविलाइजेशन हैज वेदर्ड द स्टॉर्म ऑफ इन्वेडर्स फ्रॉम ग्रीक्स टू द हूंस, फ्रॉम द शाखास टू द इस्लामिक आर्मीज ऑफ टर्क्स एंड अफगान्स। अब देखिए, ग्रीक को जब डिस्क्राइब किया तो उनका मजहब नहीं बताया, हूंस को जब डिस्क्राइब किया उनका मजहब नहीं बताया, शाकास को जब डिस्क्राइब किया तो उनका मजहब नहीं बताया, लेकिन जब टर्क्स को और अफगान्स को डिस्क्राइब किया तो उनका मजहब बताया। तो आपके ठीक पूरा दूसरा पार्टनर है उसको मैसेज किया जाएगा, नॉर्मल नेचुरल है। ग्लोरी ऑफ विजयनगर, उसके बाद फिर हीरोइज्म, महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, विजयनगर, ये वो सब बिल्कुल आज तक बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जहाँ दो लफ्ज सिर्फ ऐसे आए जहाँ मुसलमानों का था, तो वहाँ इस्लामिक आर्मी जरूरी है। ये अगर ये नहीं होता तो मुसलमान भी कुछ कुछ छोड़ लेते, पढ़ सकते। बीजेपी इज टूडे द मोस्ट, आपने लिखा है कि बीजेपी इज टूडे द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज संघ परिवार एंड नर्चर्ड बाय द आरएसएस, हम सब जानते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है, वेरी गुड, वी डोंट माइंड दैट। अब आरएसएस की वेबसाइट पे उनका विजन और मिशन में क्या लिखा हुआ है, Was it not Raja Man Singh who by becoming a kingpin of Akbar's regime betrayed the interest of Hindus? अब पूछो, सैकड़ों साल पहले अकबर का बादशाह है, तो अकबर की बहुत तारीफ है, वैसे ही आप भी करते हैं, तो अगर अकबर के बादशाह के हुकूमत में राजा मान सिंह आ गए तो आज हम सबको ये कहें कि उसने बिट्रे कर दिया हिंदू बॉस को, इससे मुसलमानों की दिल खराब हो। 800 years resistance of Hindus to Islamic rule. कहाँ 800? जितने जो रूलर मुसलमान रहे हैं सबकी फौज में और जगह जगह सिर्फ सालार सब हिंदू थे। प्रोटेक्शन ऑफ हिंदुत्व, हिंदू धर्म वेरी गुड, जरूर करिए, हम आपके साथ हैं, मस्ट डू, बट एट द सेम टाइम यू नीड नॉट टेस्ट द मुस्लिम क्रिश्चियन पेशेंस, उसकी जरूरत नहीं है, साथ साथ में करके चले। सो सर, आई ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आई वेरी अपील टू यू विद फोल्डेड हैंड, लेट अस डू इट टुगेदर। पोलिटिकल यार्ड स्टिक मे बेंड बट इंडिविजुअल ह्यूमन यार्ड स्टिक मस्ट रिमेन फर्म। शक्ति भी शांति भी, ये अल्लामा इकबाल कहते हैं, डॉक्टर साहब मोहम्मद अकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बनाया है। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। लेट अस लाइट अवर कैंडल्स टुगेदर। प्राण करीम कहता है that all glorified is he, that is God, in whose hand is the absolute dominion of all things, and to him we will be taken back. ये एक शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तसव्वुर इस कल्पना, ख्वाब आप जानते हैं सपना, दरवाजे दरीचे, तसव्वुर ख्वाब दरवाजे दरीचे, कोई आए तो कितने रास्ते हैं, रास्ते सब खुले, कोई हम तो तैयार हैं। पुराने करीम कह रहा है फर्स्ट तबिकुल खैरात, अच्छे कामों में एक दूसरे के प्रतियोगी बनो, लेट अस बी प्रतियोगी टू ईच अदर, लेट अस वाई विद ईच अदर इन गुड डीड्स, एंड थैंक यू वेरी मच द ऑर्गेनाइजर, थैंक यू सर।